Hello students, today we will be talking about another method of evaluation which is very in vogue these days, that is portfolio assessment. Portfolio assessment, we'll be talking about the meaning of portfolio first. If I have to explain you simply what is a portfolio, it is basically a bag of documents. Now, you might have heard in your daily life about the models, you know, the models who enact in advertisements and all, they are making portfolio. Now, in their portfolio, what they do is they dress up in different dresses and they get photographs clicked from professional photographers in different poses. And these collection of photographs, they send to their potential employers or ad makers who can then employ them if they like their portfolio. So basically there it is a collection of photographs. And when we are talking about pedagogy of social studies for semester 2 and pedagogy of social science for M.Ed semester 2. So here it is portfolio assessment for assessing students' work. Basically what we do is we make the students prepare a collection of their artifacts. जो भी उन्होंने learn किया है या learn कर रहे हैं उसके उन्होंने evidences इकट्ठे करने हैं, सबूत इकट्ठे करने हैं. मे बी आप उनको जैसे किसी भी सब्जेक्ट में कुछ स्किल सिखा रहे हो, कुछ जो है असाइनमेंट्स बनानी सिखा रहे हो, या कोई स्टिचिंग निटिंग ही क्राफ्ट ही सिखा रहे हो. आपने उनको कहना है कि जैसे जैसे आप काम सीख रहे हैं उस काम के नमूने जो हैं वो आप इकट्ठे करते जाएं. एंड बाय द एंड ऑफ द कोर्स और बाय द एंड ऑफ लर्निंग दैट पर्टिकुलर टास्क, उस टास्क के जो बेस्ट एविडेंसेस हैं वो इकट्ठे कर लें और उन्हें कंपाइल कर लें. वो फोल्डर फॉर्म में भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, वो टाइप्स हम करेंगे, लेकिन वो जो कलेक्शन उन्होंने अपने काम का किया है, अपने काम के एविडेंस, अपने काम के नमूने, उनको हम पोर्टफोलियो कहते हैं. और जब इनको इवैल्यूएशन के पर्पस के लिए यूज किया जाता है तो हम उसे पोर्टफोलियो असेसमेंट कहते हैं. सो अगर हम इसे कुछ फॉर्मली डिफाइन करें तो वेन ने डिफाइन किया है, अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क एंड रिलेटेड मटीरियल दैट डिपिक्ट्स अ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, accomplishments and achievements in one or more school subjects. The collection should include evidence of students' reflection and self-evaluation, guidelines for selecting the portfolio contents, and criteria for judging the quality of the work. The goal is to help students assemble portfolios that illustrate their talents, represent their writing capabilities, and tell their stories of school achievement. Now, let me pick up the last line which I just read out. Stories of school achievement. So, हमने students को prepare करना है कि वो अपनी कामयाबी की कहानी जो है उसे सुना सके और उस कहानी के साथ वो कुछ सबूत पेश कर सके. अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम करना, कोई स्किल सीखी है या कोई लैंग्वेज में स्किल सीखी, जैसे ऐसे लिखना ही सीख लिया है, तो वो ऐसे उन्होंने कैसे सीखा, या आपने उनको मैप मार्किंग सिखाई है तो वो कैसे ग्रेजुअली मैप मार्किंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सीखने लग गए हैं, तो उन्होंने जैसे जैसे जिस जिस स्टेप को सीखा उसका एक एक प्रैक्टिकल जो उदाहरण है वो उन्होंने उसमें लगा देना है. चाहे वो फोटोग्राफ्स खींच के लगाएं, चाहे वो सैंपल्स जो मैप्स बनाए हैं उसके वो लगा दें. अगर लैंग्वेज है तो उन्होंने अगर वोकैबुलरी सीखी है तो कैसे कैसे उन्होंने ऐसे लिखना इम्प्रूव किया है, हर स्टेज का वो एक सैंपल जो है वो उसमें लगा देते हैं. तो उन्होंने अपने जो भी सीखा है उसके सैंपल्स इकट्ठे किए हैं और ये सैंपल्स उनकी एकम्प्लिशमेंट्स के, उन्होंने जो करिकुलम में सीखा है उन क्रियाओं के बेस्ट नमूने होंगे और उनकी कहानी सुनाएंगे कि उन्होंने उस कोर्स में क्या सीखा. सो ये एक पोर्टफोलियो या स्टूडेंट पोर्टफोलियो होता है.
अब जो पोर्टफोलियो है वो अलग अलग टाइप्स का हो सकता है. पोर्टफोलियो फिजिकल पोर्टफोलियो हो सकता है. फिजिकल पोर्टफोलियो मतलब हमने स्टूडेंट्स के काम को, स्टूडेंट्स के काम की कलेक्शन को फिजिकली इकट्ठा किया है. जैसे इसमें आप असाइनमेंट्स इकट्ठी कर सकते हो, कोई टेस्ट लिए हैं आपने पढ़ाने के दौरान, तो यू कैन कलेक्ट दोज टेस्ट. यू कैन कलेक्ट सम आर्ट वर्क, जैसे आप आर्ट शीट्स बनाते हो तो कैसे अपने आर्ट को इम्प्रूव किया है, पेंटिंग हो सकती है, मैंने बोला आपको निटिंग हो सकती है, स्टिचिंग हो सकती है, कुछ भी है. तो आप एक दिन में तो सीख नहीं जाते हो, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है. जैसे जैसे आप उस प्रोसेस को सीखते जाते हो उसके रिकॉर्ड्स आप इकट्ठे कर सकते हो. सो ये फिजिकल पोर्टफोलियो है. उसके बाद हम पोर्टफोलियो की सेकेंड फॉर्म करते हैं, दैट इज ऑनलाइन पोर्टफोलियो. अब ये जो ऑनलाइन पोर्टफोलियो है इसमें डिजिटल आर्चीव्स हो सकते हैं, बच्चों की प्रेजेंटेशंस हैं, पावर पॉइंट्स हैं वो हो सकती हैं, ब्लॉग्स हो सकते हैं, वेबसाइट्स हो सकती हैं. ई पोर्टफोलियोज इनको हम कहते हैं. तो ये ऑनलाइन बनते हैं इसलिए इनको हम ई पोर्टफोलियोज भी कह सकते हैं. थर्ड फॉर्म है प्रोसेस पोर्टफोलियो, जिसे नाम से पता चलता है, एज वी कैन अंडरस्टैंड इट इज गोइंग टू रजिस्टर द प्रोसेस. हाउ द स्टूडेंट हैज यू नो फ्रॉम द स्टेज फर्स्ट he has come to the stage final where he has you know completely judged how to prepare a thing or how to use a language or you know write an essay or mark a map or for example it can be you know even map marking skills or tracing a map. There's so many other things in social studies which you can tell or social sciences which can be taught and they are taught step wise. So process portfolio that documents the stages of learning, and as you have read in your learning chapter in psychology, educational psychology, that learning is always a process. So agar aap process portfolio banwate ho to usme aap process ko document kar rahe ho ki jab maine course mein entry li to mujhe ye aata tha और मैं ऐसे काम कर पाता था, तो उसका एक आपने एग्जाम्पल लगा दिया. जब मुझे टीचर ने सिखाया या मैंने प्रैक्टिकल क्लासेस सीखी तो देखिए मैंने काम इतना इम्प्रूव कर दिया, तो उसने उसका नेक्स्ट सैंपल लगा दिया. स्टेज 3-4 जैसे ही स्टेजेस में वो काम इम्प्रूव कर रहा है उसके सैंपल्स वो लगाता जा रहा है और आपको पता चल रहा है कि लर्निंग की प्रोसेस जो है वो कैसे इंक्रीमेंटल चलती रही है, कैसे प्रोग्रेशन लर्निंग में आता रहा है. सो वो प्रोसेस पोर्टफोलियो है. उसके बाद वी कम टू द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो and it is also a summative portfolio. The process portfolio is formative and the product portfolio it is summative. Summative means आपने sum total जो है वो learning का उसको एक किसी form में register कर लिया है. It could be you know a completed project, a model, a three-dimensional model. It could be an assignment which the student has completed at the end of the कोर्स और एंड ऑफ दी सेशन. सो उस कंप्लीट प्रोडक्ट को आप लगाते हो तो वो एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है. वेन इसे डिफाइन करता है कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इट डिमॉन्स्ट्रेट्स मास्टरी ऑफ अ लर्निंग टास्क और अ सेट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेन्स ओनली द बेस्ट वर्क. सो इसमें जो बच्चे की बेस्ट अचीवमेंट्स हैं उसके सैंपल्स वो लगाएगा और ये प्रोसेस पोर्टफोलियो होगा. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट the purpose of portfolio, why we are making portfolios and what will be the purpose of portfolio assessment. There are some very valuable goals which can be achieved by portfolio assessment and that is why it is so attractive to the evaluators. Now the purpose of the portfolio could be that the portfolio it wants to document the growth of the student. So that is the first purpose. We want to document the growth of the student. And as I told you earlier, learning is a process. So that means there is incremental change going about in the learning of the child or the student. So वो जो growth हो रही है उस growth को show करने के लिए हम portfolios बनाते हैं. जब स्टूडेंट ने एंट्री की उस कोर्स में, उस कोर्स में उसकी क्या लर्निंग थी, क्या उसका जो प्रीवियस नॉलेज था, एंड एज एंड व्हेन ही कंटिन्यूड द कोर्स और द टास्क हाउ मच हैज ही लर्न, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए हम ग्रोथ पोर्टफोलियोज जो हैं वो बनाते हैं. इससे हमें स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चल जाता है और हमें स्टूडेंट की डेवलपमेंट को ट्रैक करने में बहुत हेल्प मिलती है. सो दीज आर ग्रोथ पोर्टफोलियोज एंड दिस इज वन पर्पस पोर्टफोलियो इज प्रिपेयर्ड फॉर. सेकेंड, द पोर्टफोलियो विल ऑल्सो हेल्प अस टू शोकेस द बेस्ट वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स.
सो शोकेस पोर्टफोलियो जो है वो हमें हेल्प करता है कि स्टूडेंट की अचीवमेंट्स को, टैलेंट्स को हम एंड ऑफ द ईयर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पेरेंट्स हैं या सोसाइटी है, उनको हम दिखा पाएं कि उनके अवार्ड्स ने, उनके जो चिल्ड्रन हैं उन्होंने क्या सीखा है स्कूल में. उनके जो काम के सैम्पल्स हैं, दे विल टेल अबाउट व्हाट दे हैव लर्न्ड ड्यूरिंग दैट कोर्स, एंड दैट विल बी द बेस्ट वर्क विच विल बी डिस्प्लेड. सो हम शोकेस में क्या रखते हैं घर में, अगर शोकेस होता है तो हम उसमें बेस्ट जो हमारे पास छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स हैं वो रखते हैं. उसी तरह से जो पोर्टफोलियोज हैं बच्चों के टैलेंट्स को शोकेस करने में हेल्प करते हैं. और इवन अगर वो एक कोर्स खत्म करने पे नेक्स्ट कोर्स में जाना चाहते हैं, जो उनके फ्यूचर टीचर्स या फॉर दैट मैटर अगर वो एम्प्लॉयमेंट लेंगे उसके बाद, कोर्स खत्म करने के बाद, तो फ्यूचर एम्प्लॉयर्स को भी पता चल जाएगा कि व्हाट द कैंडिडेट ऑलरेडी पोजेसेस. सो फ्यूचर में भी ये जो पोर्टफोलियोज हैं उनको हेल्प करेंगे, दे विल शोकेस देयर बेस्ट वर्क. एंड द portfolios they are also going to show help in evaluation. So that is another purpose which the portfolios they fulfill. They help in evaluating the work of the students, and this can be done by grading and seeing how much they have moved towards the standards. इसमें अब आप क्या करते हो, जब भी पोर्टफोलियो आपने असाइनमेंट कोई देनी है स्टूडेंट्स को, तो आप उनको पहले ही कोई बेस्ट सैंपल दिखा देते हो. जैसे हम आपको असाइनमेंट्स देते हैं तो हम क्या करते हैं, जो प्रीवियसली बनी हुई अच्छी असाइनमेंट्स हैं हम आपको वो दिखाते हैं कि दिस इज व्हाट वी वांट. सिमिलरली आपके आर्ट एंड क्राफ्ट में या पेंटिंग वगैरह में भी टीचर आपको बेस्ट सैंपल्स पहले ही दिखाती है, एंड यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल विच हैज बीन सेट बाय द टीचर. सो आपने उस गोल की तरफ कितना मूव किया वो भी हमें पोर्टफोलियो से पता चल जाएगा, और उसके आधार पे, उसके बेस पे वी कैन गिव यू ग्रेड्स एंड मार्क्स. So this is what the portfolio helps. It helps in evaluation. Now the next question arises, how we are going to prepare a portfolio? What are the different steps of a portfolio? See, when we are making a portfolio, what we can do is we can make the students understand what will be the purpose of the portfolio first. So before preparing a portfolio, the purpose of the portfolio should be very clear to the student. Purpose means आप जो ये पोर्टफोलियो बना रहे हो ये आपके लिए क्यों यूजफुल है, ये आपने स्टूडेंट्स को पहले ही जो है वो क्लियर कर देना है. सो दैट व्हेन व्हाइल्स दे आर प्रिपेयरिंग द पोर्टफोलियो दे हैव अ क्लियर गोल कि दिस पोर्टफोलियो इज गोइंग टू हेल्प मी अचीव दिस. सो जो भी उस पोर्टफोलियो का पर्पस है वो आप पहले ही स्टूडेंट्स को क्लियर कर दोगे. नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स को बताना है कि पोर्टफोलियो की जो वो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, यानी ऑडियंस कौन होगा पोर्टफोलियो का. उन्होंने पोर्टफोलियो बना लिया मे बी आर्ट का कोई सैंपल है या पेंटिंग्स की सैंपल है, तो आपने कोर्स में इतनी शीट्स बनानी है, ये शीट्स अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये ग्रेड्स जो है ABCD मिल सकते हैं. तो पर्पस आपके पास क्लियर है कि ग्रेडिंग के पर्पस के लिए आपने कोई काम करना है, या आपने नेक्स्ट क्लास में जाना है, आपको मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए, तो वो आप सब क्लियर कर दोगे, वो पर्पस होगा पोर्टफोलियो का. तो उस हिसाब से वो अपने सैंपल्स इकट्ठे करके पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं. सो आप प्लीज इस चीज को याद रखिए, बेसिकली पोर्टफोलियो में स्टूडेंट अपनी कहानी ग्रोथ की खुद सुना रहा है. देखिए मैंने इतना सीखा, इसके बाद मैंने इतनी इंप्रूवमेंट की, और वो एक्चुअल में वो चीजें लगा रहा है. अगर वो पेंटिंग की शीट्स हैं तो स्टेप बाय शीट्स लगा रहा है, अगर निटिंग के सैंपल्स हैं तो वो लगा रहा है, अगर मैप वर्किंग है तो मैप वर्किंग के सैंपल्स लगा रहा है. तो ये थोड़ा सा भारी भरकम काम है, क्योंकि वो एक अच्छा सा फोल्डर बनने वाला है जिसमें उसने अपने वो सैंपल्स इकट्ठे कर लिए हैं. सो वो सैंपल्स किसके लिए इकट्ठे कर रहा है, व्हाट इज द ऑडियंस, व्हाट विल बी द ऑडियंस ऑफ दैट वर्क. अब ऑडियंस में टीचर्स हो सकते हैं, उसके पीयर्स हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, एंड इट कैन बी एग्जिबिटेड टू द कम्युनिटी ऑल्सो. सो ऑडियंस भी हमने क्लियर कर देनी है. थर्ड हमने कंटेंट क्लियर करना है. कंटेंट का मतलब, क्योंकि मैंने आपको बोला कि पोर्टफोलियो असाइनमेंट बनानी, इट कैन बी वेरी हैवी ऑन द स्टूडेंट्स बिकॉज सो मच ऑफ मटीरियल हैज टू बी कलेक्टेड. सो उसमें क्या क्या कलेक्शन की जाएगी, अगर लैंग्वेज है तो उसमें एसेज, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह डालें, या अगर सोशल स्टडीज है तो उसमें मैप वर्क, डायग्राम्स डालें, और मे बी यू नो
कोई आपने प्रॉब्लम्स दी हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया है उसको वो डालें उसमें, तो क्या क्या कंटेंट उसमें इंक्लूड करेंगे और वो किस फॉर्म में होगा कंटेंट, ई कंटेंट डालना चाहते हैं कि हार्ड कॉपीज होनी चाहिए, तो ये भी आपने कंटेंट में उनको इंक्लूड कर देना है. उसके बाद आ गया प्रोसेस क्या होगा स्टेप में. नेक्स्ट आपने क्लियर करना है कि पोर्टफोलियो बनाने का प्रोसेस जो है वो क्या होगा. बच्चे उससे एक्चुअली जब वो स्टूडेंट्स को बनाएंगे वो सेल्फ डायग्नोसिस करेंगे और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे. दे विल देमसेल्फ सी देयर सैम्पल्स एंड कम टू नो वेदर दे आर प्रोग्रेसिंग इन एन इंक्रीमेंटल वे और नॉट, वेदर दे आर लर्निंग, वेदर दे आर इंक्रीजिंग इन देयर अचीवमेंट, ये उन्हें पता चल जाएगा. सो प्रोसेस पे हमने काफी जोर देना है. स्टूडेंट्स अपनी प्रोसेस को खुद एनालाइज कर पाए, आर दे लर्निंग और आर दे नॉट लर्निंग. अब प्रोसेस के अंदर तीन चीजें हैं कि वो कंटेंट्स कौन से सिलेक्ट करते हैं. वो बेस्ट वर्क सिलेक्ट करना चाहते हैं या वो ग्रोथ दिखाना चाहते हैं. सो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, इसमें आपने बच्चों को बता देना है कि क्या कंटेंट है, वो सिलेक्ट कौन करेगा, टीचर्स सिलेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, कौन से सैंपल्स डालने हैं और ये सिलेक्शन जो है वो कैसे होगी. फॉर एग्जाम्पल कब बच्चों ने सैंपल डालना है, जब उन्होंने कुछ सीख लिया या सीखने के दौरान, और या उन्होंने दो दो महीने के बाद सैंपल डालना है, इंटरवल्स पे डालना है. सो सैंपल जो है कब करना है कलेक्ट वो भी हमने डिसाइड करना है, या बिल्कुल ही किसी यूनिट के एंड पे या साल के एंड में उन्होंने सैंपल लगाना है, तो ये चीजें भी हमने उनको पहले ही क्लियर जो है वो कर देनी है. और उसके अलावा हमने बताना है कि उन्होंने उसमें रिफ्लेक्शंस डालनी है कि नहीं डालनी है. सो प्रोसेस में पहले तो उन्हें पता हो कि क्या कंटेंट है, वो कंटेंट कौन सिलेक्ट करेगा, उस कंटेंट को कब डालना है और उसमें रिफ्लेक्शंस कैसे डालनी है. जैसे फॉर एग्जांपल सैंपल नंबर वन, तो स्टूडेंट उसे खुद एनालाइज करेगा, ये मेरा वर्क है इन द मंथ ऑफ फॉर एग्जांपल जनवरी और इसमें मैंने इतना सीख लिया है, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये वीकनेसेस हैं. ये सैंपल टू है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, देन सैंपल थ्री इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड ही इज गोइंग टू गिव हिज ओन रिफ्लेक्शन ऑन द वर्क. सो ये रिफ्लेक्शंस भी हमने उसको डालने के लिए सिखाना है. एंड थर्ड प्रोसेस में हमने स्टूडेंट को बताना है कि उसे कॉन्फ्रेंसिंग भी करनी पड़ेगी. सो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स ही हैज टू यू नो गो इनटू फेस टू फेस कन्वर्सेशन विद द टीचर एंड विद अदर स्टूडेंट्स. दिस वुड रियली हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पोर्टफोलियो. यू नो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ ग्रेड एट द एंड ऑफ द पोर्टफोलियो, अगर हम उसके पोर्टफोलियो बनने के दौरान उसको थोड़ी थोड़ी कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू बता दें कि इज हिज वर्क गोइंग ऑन इन द राइट डायरेक्शन, उसको फीडबैक मिल जाए फ्रॉम हिज टीचर्स एंड फ्रॉम हिज पीयर, देन ही विल बी एबल टू इम्प्रूव हिज पोर्टफोलियो असाइनमेंट एंड द पोर्टफोलियो असेसमेंट विल नेचुरली बी बेटर इफ वी आर एंगेजिंग इन कॉन्फ्रेंसेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पोर्टफोलियो. सो दिस इज द प्रोसेस. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट. ऑल दीज आर स्टेप्स ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू मेक अ पोर्टफोलियो, वॉट थिंग्स हैव टू बी क्लैरिफाइड. नाउ मैनेजमेंट मीन्स, बिकॉज आई टोल्ड यू इट इज अ वेरी डॉन्टिंग वर्क. वाई डॉन्टिंग? बिकॉज अ लॉट ऑफ कलेक्शन हैज टू बी मेड. सो उसको मैनेज कैसे करना है, कैसे सैंपल्स बनाने हैं, इकट्ठे करना है, उनको संभाल के रखना है, कैसे उनको कलेक्ट करना है फाइल फॉर्म में, फोल्डर फॉर्म में, कैसे प्रेजेंट करना है टीचर को, ये बड़ा कंबरसम काम है और इसके लिए हमने मैनेजमेंट पोर्टफोलियोज की भी बच्चों को सिखानी है ताकि उनके लिए ये काम इजी हो जाए. इसमें हम उनको बता देंगे कि कब कब उन्होंने अपने वर्क सैंपल्स इकट्ठे करने हैं, कैसे उनको सेव करना है, कौन कौन उनके सैंपल्स देख सकता है और उनके सैंपल से उनकी ग्रोथ के बारे में कैसे पता चलेगा और उनका फाइनल सैंपल कैसा होना चाहिए, ये भी हमें पहले ही बता देंगे ताकि वो अपने पोर्टफोलियोज को अच्छे से मैनेज करें. स्टेप में लास्ट जो सॉरी सेकंड लास्ट है वो कम्युनिकेशन है. अब उन्होंने पोर्टफोलियो बना लिया, उस पोर्टफोलियो को किसको दिखाना है, किसके साथ कम्युनिकेट करना है. बेसिकली वो पोर्टफोलियो बच्चे की ग्रोथ को, अचीवमेंट को शोकेस कर रहा है और उसकी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कर रहा है. इसलिए हमने सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको ये पोर्टफोलियो कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे हम पेरेंट्स को, टीचर्स को, कम्युनिटी को ऑडियंस मान के और उनको उसका स्टूडेंट का जो वर्क है वो पोर्टफोलियो है उसके बारे में बता सकते हैं. देन
लास्ट में वी विल कम टू द इवैल्यूएशन ऑफ द पोर्टफोलियो. जो पोर्टफोलियो है उसकी इवैल्यूएशन कैसे होगी ये भी आपने स्टूडेंट्स को पहले ही बता देना. यू हैव टू टेल यू नो बिफोर गिविंग द असाइनमेंट एंड बिफोर दे स्टार्ट ऑन विद देयर वर्क हाउ देयर पोर्टफोलियो विल बी इवैल्यूएटेड, हाउ इट इज गोइंग टू बी यू नो रिप्रेजेंटेड फॉर देयर वर्क. सो इवैल्यूएशन से आपकी जो जजमेंट्स हैं दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड्स और स्कोर एंड दे विल हेल्प टू डॉक्यूमेंट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट. And these assessments can be made by the teacher concerned. These assessments can be made by some external bodies if you want more objectivity in the scoring procedure. So these are the various steps of portfolio assignment. We just talked about one by one. Now we'll be talking about the advantages and disadvantages of a portfolio. So before I start on, I just want to repeat the steps which I just talked about. They are: when we are making a portfolio assignment, we need to know about the purpose, the audience, the content, the process, the management, the communication, and the evaluation. Now we will be talking about the advantages and the disadvantages of a portfolio. Now the advantages are, obviously the portfolio helps in documenting the student's progress and achievement. It helps the teachers to monitor the learning progress over a time. कि एक महीने में कितना सीखा, दो में कितना सीखा, ये आपको पता चल जाएगा एज अ टीचर. पोर्टफोलियोज टीचर्स को ये भी हेल्प करते हैं कि जो क्लास में सिखा रहे हैं उस काम को वो प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स अप्लाई कर पा रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपने थ्योरेटिकली बताया है कि निटिंग कैसे करनी है, जब प्रैक्टिकली वो करने पे आते हैं आर दे एबल टू डू और नॉट. आपने थ्योरेटिकली या क्लास में आपने डेमॉन्स्ट्रेट किया कि मैप कैसे मार्क करना है, व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू मार्किंग डिफरेंट मैप्स आर दे एबल टू यू नो यूज दैट नॉलेज विच यू हैव गिवन इन द क्लास फॉर मैपिंग. So that is another advantage of the portfolio. Then portfolio, it makes students very responsible. They are going to record their own work. Hence, they become responsible for their own learning. And it also helps to improve communication between the teachers and the parents. Because you know, you're going to show the samples of the work to the parents. And the parents will be in close touch with the progress of their child. This will help them to pinpoint any weaknesses they can see in their ward's progress and communicate it to the teacher. And vice versa, a teacher can also communicate it to the parents. And it also helps in metacognitive development. Now, what is metacognition? Metacognition is basically thinking about thinking. Now, when they see their own work, the students are able to think whether they thought in a right way or not. Why they included a particular sample? And is the sample appropriate? Did they prepare it well? If they didn't prepare it well, what was wrong with the sample? So, they're thinking about their own thinking processes. Hence, metacognition improves with the help of portfolio assessments. And it gives valid results, and you know, it helps to seek maximum participation of the students in the process of learning. So it is basically a very comprehensive way of evaluation. Now there are certain disadvantages or limitations of portfolio assessment. As you know, you might also have not heard about portfolio assessment before this lesson. So basically it's not very easy to prepare a portfolio, and it requires very competent teachers to handle the portfolio assessment. And it is very time consuming. Special adjustments have to be made in the timetable, and the grading process is also not very easy. The teacher has to decide with the help of other teachers how the grading has to take place. It will become a little costly for the students also, because they have to include samples in it, actual samples of work. So preparing those samples will be a little expensive for them. And the portfolio folder, it becomes very bulky. So that is also one disadvantage. And there are certain subjective evaluation procedures going on, which is not very healthy. We are going to use, you know, ratings and gradings where some subjectivity on the part of the teacher enters. And it obviously, you know, creates a bit of confusion also while preparing which samples have to be included and which not to be included. So there are certain practical problems, certain technical problems. There are some barriers in preparing portfolio assessments. So other than that, it is a very useful technique for assessment in not only social studies and social sciences, but other subjects as well. Thank you so much.